आपसे नरम रह सकता है, अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, चिंता और तनाव भी बढ़ सकते हैं। नौकरी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में दिन सकारात्मक रहेगा, आर्थिक लाभ होगा, पदोन्नति होगी, आपके कार्य की सराहना होगी, नजदीकी लोगों का सहकार और सहयोग मिलेगा, उनसे आपका तालमेल बेहतर रहेगा। किंतु निजी जीवन में कुछ समस्याओं की वजह से आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, आप तनावग्रस्त रह सकते हो। जीवन साथी से आपका वाद विवाद चरम सीमा पर पहुंच सकता है, यदि इसे समय पर ना समझाया जाए तो अलगाव या तलाक की स्थिति भी हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन सकारात्मक रहेगा, विद्यार्थी वर्ग आज शिक्षा से जुड़े हुए कार्य नियत समय से पहले ही पूरे कर ले ऐसा संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा, विद्यार्थी वर्ग आज मनोरंजन जैसी गतिविधियों में भी कुछ समय बिताए ऐसा संभव है, सब विद्यार्थियों के साथ यात्रा हो सकती है। महिला वर्ग के लिए दिन मिश्रित रह सकता है, महिलाओं को आरोग्य से जुड़ी हुई प्रतिकूलता संभव है, आरोग्य से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या आज ज्यादा गंभीर बन सकती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी महिलाओं को समस्या हो सकती है। नौकरी व्यापार व्यवसाय में सक्रिय महिलाओं को धन लाभ होगा, बुजुर्गों के लिए दिन सभी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी, पूर्व काल में किए गए निवेश से लाभ होगा, कोई बहुत पुरानी पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई समस्या सुलझाने में आज बुजुर्गों को सफलता मिल सकती है। जिनके उत्तरार्ध में जिनके अंतिम दौर में किसी बहुत पुराने मित्र से या दूर के रिश्तेदार से अचानक से मुलाकात हो सकती है, पुराने संपर्क फिर से स्थापित होंगे, निजी समस्याओं में बुजुर्गों को उनसे मार्गदर्शन और मदद भी मिल सकती है। पूरे परिवार के साथ दूर के स्थल की यात्रा की योजना आज बन सकती है, बेरोजगार लोगों को आज नौकरी मिलने के बहुत अच्छे ग्रह योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वाले लोगों के लिए